हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग की। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ से है आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आकृतियों को गिनने से लेके। आकृतियों को गिनना हमने अभी तक दो क्लास में कर लिया है, जिसमें हमने त्रिभुजों को गिनना सीखा था, फिर हमने स्क्वायर यानी कि वर्ग को गिनना सीखा था। आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल को कैसे काउंट करते हैं, या फिर हम कहें आयतों को गिनना। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज हम उनको देखेंगे। और इसके लिए कौन सी बेहतरीन ट्रिक हो सकती है जो कि जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करके आप इस चीज़ को देखें। देखो भाई, अगर हम बात करें आयत की, तो आयत यानी कि रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल या फिर आयत। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो आपके सामने ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं। हमको इनमें क्या करना पड़ेगा, इनकी गिनना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि कितने रेक्टेंगल हैं इसमें, कितने आयत हैं, आपको आंसर करने के लिए कहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए अगर छोटे छोटे अगर आकृति हमको दे दी जाएगी तो हम कर ले जाएंगे, लेकिन अगर बड़ी आकृति दे दी जाएगी तो उसमें फिर थोड़ा फंसने का हो सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, ये तो है एक आयत जिसमें एक लंबाई है, चौड़ाई है इसकी, और आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, इसकी बराबर हैं। अगर हम सेकेंड वाली फिगर को देखें, इसमें कितने आयत हैं। सेकेंड वाली फिगर में देखो कितने आयत हैं। हमको अगर इसको काउंट करना पड़ेगा तो हम कहेंगे एक आयत ये रहा, एक आयत ये रहा, दो आयत तो ये हो गए। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इस पूरे की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनेगा तीसरा आयत, यानी कि बड़ा वाला भी एक आयत बन जाएगा अगर मैं इस बीच की लाइन को ना मानूं। ठीक है, इस तरीके से अगर बीच की लाइन ना हो तो एक बड़ा वाला आयत भी बन जाएगा। तो इस प्रकार कितने आयत इसमें बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारे पास बड़ा, एक बड़ा बन रहा है, और दो छोटे बन रहे हैं इसमें। तो टोटल इसमें हो गए तीन, टोटल इसमें हो गए तीन। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं। अब आप देखो, ट्रिक करने के लिए इसमें अगर हम ट्रिक लगाएं तो ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। इसमें आपने क्या करना है, इसको काउंट कर लेना है, नंबर इसमें इस तरीके से लिख देना है। नंबर कितने खाने हैं इसमें, एक दो, टोटल कितने खाने हैं, दो खाने हैं, दो आयत हैं जो कि अंदर बन रहे हैं छोटे छोटे, इनको हमको जोड़ देना है इस प्रकार से। 1 + 2 = कितना आ जाएगा, 3। और यही उत्तर है जो कि हमारा आ रहा है। अगर तीसरे वाले आयत की हम बात करें, इसमें कितने आयत बनेंगे। अगर हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो ये बनेंगे, देखो एक आयत ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तीन आयत तो ये हो गए। एक ये पूरा बड़ा वाला बनेगा, एक बनेगा ये पूरा बड़ा वाला, तो मैं इसको इस तरीके से एक लिख दे रहा हूँ, एक बड़ा वाला बनेगा। अगर ये पहली वाली लाइन इस प्रकार ना हो, पहली वाली लाइन इस प्रकार ना हो, तो ये वाला भी एक आयत बन गया, एक आयत इस प्रकार से बन गया, तो एक आयत और बन गया देखो। लेकिन ये लाइन तो है, अब हम इस वाली लाइन को मिटा देते हैं। अब देखने की कोशिश करेंगे तो एक आयत ये वाला भी बन गया, अब एक ये वाला भी आयत बन गया, तो एक आयत ये भी बन गया। तो कितने आयत हो गए टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः, कितने हो गए टोटल, छः आयत हो गए हैं हमारे पास। लेकिन अगर इसको हम बड़े लेवल पर अगर क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा आकृति बना के आ जाएगा, तो वहाँ पर ये थोड़ा फंस जाएगा क्वेश्चन, हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए अगर हम इसको जल्दबाजी में करें, यानी कि थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, तो इसका आंसर और जल्दी आ सकता है। हम क्या करेंगे, इसको नंबर सिस्टम में इस तरीके से लिख लेंगे, 1, 2 और 3। हमने इनको नंबरिंग कर दी, अब हम इन सारे नंबर को काउंट कर लेंगे या फिर ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, एक में दो जोड़ेंगे तीन, तीन में तीन जोड़ेंगे छः, तो ये छः हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के एक प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आपको इनको करना पड़ेगा।
दूसरा हब हाँ देखो यहाँ पर ये तो टाइप वन था, यहाँ पर जो था वो था टाइप वन। हम चलते हैं टाइप टू में और इसको देखेंगे कि यहाँ से किस प्रकार से हम इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। टाइप टू, टाइप टू के लिए हमने क्या करना है, इनको नंबरिंग कर देनी है इसमें भी। किस प्रकार से? इस प्रकार से 1, 2। इसी प्रकार हम ऊपर को भी कर देंगे 1, 2। हमने अब दूसरा काम क्या है, पहला काम तो है कि इनमें नंबरिंग कर देनी है, दूसरा काम है इनको जोड़ देना है 1 + 2। इन दोनों को जोड़ देना है, ऊपर जो आया इनको भी जोड़ देना है 1 + 2। इनको भी जोड़ दिया, इनको भी जोड़ दिया, ये कितना आ गया 3, और यहाँ पर भी कितना आ गया 3। ये जो 3 आया और ये वाला 3 आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें करने की हम कोशिश अगर करें तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे इसमें 1, 2, 3। इसी प्रकार ऊपर को भी हम करेंगे 1, 2, 3। अब हम इनको जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ऊपर वाली ये इनको भी जोड़ देते हैं 1, 2, 3 को, और इनको जोड़ के भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये दोनों के दो जो जोड़ के आ रखे हैं इनको हम कर देते हैं गुणा, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। अब देखो अगर ये क्वेश्चन हम ट्रिक से ना करते तो 36 निकालने में हमको कितना समय लग जाता, तो टाइम लग जाता। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रिक का यूज करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में टाइप टू में। देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसी में देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर ये हमारे पास है इसमें कितने आयत होंगे ये हमको बताना है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि इनको ऐड कर देना है नंबर लिख के 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने सबको नंबरिंग कर लिया, ऊपर को भी हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। इनको अगर हम ऐड करेंगे ऊपर को तो 1 और 2 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 और 4 10। अगर हम ऊपर को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 5 15, 15 और 6 21, यहाँ पर आ जाएगा 21। इन सबको जोड़ के 21 आ जाएगा। अब ये जो दो जोड़ के आ रखे हैं इनको हम कर देंगे गुणा, तो 21 को 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 210। 210 इसमें क्या होंगे, हमारे पास आयत होंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से। अब मैं इनको क्या कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। यही वाला क्वेश्चन देखो जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करो। ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, ये रहा। अगर मैं सिर्फ एक इसमें वर्ग बनाऊं, एक बनाऊंगा तो ये इस प्रकार से होगा। इसमें मैं काउंटिंग कर देता हूं 1, 2, 3। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितने आ जाएगा, ये 1 + 2 + 3, यानी कि ये टोटल कितने होंगे, 6। यहां पर आ रहे हैं 6, लेकिन हमें क्या करना है, इसको वर्टिकली भी इस प्रकार से बनाना है। तो इसमें कितने होंगे इसको भी हम काउंट करेंगे अब। तो यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, 3 इसमें भी हो गए, तो इनको भी मैं क्या करूँगा, अब काउंट कर लूँगा 1 + 2 + 3, इनको भी जोड़ूंगा तो ये कितने आ जाएंगे, 6। ये टोटल कितने आ जाएंगे, 6। तो 6 इस प्रकार से आ रहे हैं और 6 इस प्रकार से आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6 + 6, ये हो गए 12। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब हमने इस 2 को काउंट किया, जब हमने इस 2 को देखा, इस वाले आयत को देखा, तो इसमें भी हम जोड़ रहे थे, इसको पहले वाले में भी जोड़ा हमने। यहाँ पर हमने इसको जब हम इस तरीके से कर रहे थे इसको, तब भी इसको जोड़ा, यानी कि हमने इस 2 को जो ये बीच वाला आया था इसको 2 बार काउंट कर लिया। कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हम एक बार इसको माइनस कर देंगे। एक बार माइनस कर देंगे तो 12 में से 1 गया, 11 हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 11 हमारे पास रेक्टेंगल होंगे इसमें। इसी प्रकार एक और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर एक और देखते हैं, अगर इस प्रकार से आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है इसको करेंगे तो कितना आंसर आएगा। देखो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, फोर हमने काउंट किया। अब इसी तरीके से हम ऊपर भी काउंट करेंगे 1 2, और ये हो गया 3, ये कितना हो गया 3 हो गया। अगर हम सबसे पहले इनको काउंट ऐड करेंगे 1 2 3 प्लस 4, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 6 6 और 4 10। इस तरीके से अगर हम आ रहे हैं तो 10 हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम ऊपर की ओर जा रहेंगे तो कितना ऐड करेंगे 1 2, और ये तीसरा वाला खाना है, इनको भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, ये कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पर से आ रहा है 6 और यहाँ पर से आ रहा है 10, इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 10 में 6 ऐड किया 16 हो गया। अब आप देखो जब इस वाले आयत की हम बात कर रहे हैं जिसको मैं डैश डैश करके कलरफुल कर दे रहा हूँ, इसको हम दो बार काउंट कर रहे हैं। एक बार तो यहाँ पर भी काउंट कर रहे थे, हमने चौथा काउंट कर लिया। एक बार हम ऊपर को जा रहे तब हमने ये तीसरा काउंट कर लिया। तो हम क्या करेंगे अब 1 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने ये दो बार काउंट कर दिया। जब दो बार काउंट कर दिया तो एक बार हम इसको माइनस कर देंगे, तो 16 में से 1 माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर 15। इसका राइट आंसर हो गया 15, जो कि सही उत्तर होगा। देखो भाई और है जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं आपको कराता हूं। अब इस सबको मैं साफ कर दे रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखो अब आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना आप। ये देखो भाई ये आपके पास है और इसमें आपको बताना है कि कितने आयत होंगे। देखो अगर हम इस आकृति को देखें तो इसमें बीच में तो हमको वर्ग दिख रहे हैं, आयत दिख रहे हैं, लेकिन अगर इन कोनों की अगर हम बात करें, ये वाला ये तो एक प्रकार का त्रिभुज है और ये भी एक प्रकार का त्रिभुज है, तो हम इन त्रिभुजों को इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो आकृति बचेगी वो बचेगी बीच की आकृति, और इसको हम फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे, 1 और 2 1 और 2, इनको ऐड कर देंगे, इनको भी ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 3। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 कितना हो गया 9 हमारे पास आंसर आ गया। 9 हमारे पास इसका आंसर आ गया भाई, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे इन क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रहा आपके पास आकृति, इस आकृति में कितने आयत होंगे ये हमको बताना है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, बीच में इस तरीके से दो लाइनें खींच दी, ठीक है। तो क्या इन दोनों लाइनें खींचने से मेरे पास कोई आयत में परिवर्तन हुआ, कोई नए आयत बने? तो मुझे बिल्कुल भी, देखो अगर मैं इसको इस तरीके से मिटा दूं, अभी ये जो हमारे पास आयत बन रहा है वो तो इस प्रकार का बन रहा है जो कि हमने कर लिया था। इसमें कितने आयत बनेंगे? इसमें 9 आयत बनेंगे। अब मैं नहीं बता रहा कि किस प्रकार बनेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि 9 आयत कैसे बनेंगे। लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन खींच दूँ, इसमें तिरछी वाली लाइन, क्या इसके खींचने से कोई नया आयत बन रहा है? नहीं बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है लेकिन आयत नहीं बन रहा है। इसी प्रकार अगर मैं इस तिरछी लाइन को खींच दूँ तो इससे भी मेरा नया आयत का निर्माण नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास इसमें जो आयतों की संख्या होगी वो होगी 9। वो कितनी होगी? 9 होगी भाई।
एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को करना और फिर हम एक और चीज़ देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। एक क्वेश्चन और देख लो। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, इसको आप होमवर्क से करेंगे। ये है होमवर्क के लिए आपके पास, ठीक है, इसको होमवर्क से कर लेना। अब मैं आपको कराता हूं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होता है? ये होता है, ये देखो, ये है मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है? इसकी खासियत ये होती है कि इसकी कोई दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, बाकी दोनों भुजाएं ये भी बराबर होंगी, लेकिन इसमें 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो, आयत में 90 अंश का कोण बन रहा है, चारों कोणों में 90 अंश का कोण बन रहा है, इसमें 90 अंश का कोण बनने की कोई शर्त नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसे अगर हम देखें, 90 अंश से हमको करना क्या है? 90 अंश से हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ आकृति देखनी है। तो ये एक प्रकार की आयत की ही आकृति बन रही है, लेकिन हम इसको समांतर चतुर्भुज का नाम देते हैं। हमें अगर पूछ लिया जाएगा कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जो आयत में हम लगाते आ रहे हैं। देखो कैसे, अगर इस प्रकार से ये कह देगा कि इसमें आयत कितने हैं, इसमें समांतर चतुर्भुज कितने हैं, तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 और 2, यानी कि 1 प्लस 2 हम कर देंगे तो 3 इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार यहीं पर एक क्वेश्चन ये रहा जो कि समांतर चतुर्भुज का है, इसमें हमको बताना है समांतर चतुर्भुज कितने होंगे। इसमें भी समांतर चतुर्भुज उतने ही होंगे जितने हम आयत कर रहे थे काउंट, ठीक है। तो इसको भी आप होमवर्क से लिख सकते हैं कि इसमें समांतर चतुर्भुजों की संख्या हमको निकालनी है। तो इस प्रकार से हमारा जो आकृति गिनने वाला टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। तो अब हम चलेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए रीजनिंग के। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच।